किसानों को झुकाना चाहते हैं आप संबित जी, वो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत ही आदर के साथ नरेंद्र तोमर जी ने, आपने अभी चलाया नरेंद्र तोमर जी के बाइट में, उनके आवाज में न कोई कड़कपन था न कोई अहंकार था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मंत्री होने के नाते कहा, हम तो आमंत्रित करते हैं अपने किसान बंधुओं का कि वो इतनी गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं, आए बातचीत आरंभ करें और क्लॉज वाइज डिस्कशन करें। देखिए, यहाँ मैं बड़े ध्यान से पूरे वार्तालाप को अभी सुन रहा था। मैं तो टिकैत जी का सम्मान भी करता हूँ। टिकैत जी ने कहा कि मंत्री जी के पास तो कोई पावर नहीं है, हम बातचीत करेंगे तो क्या फ़ायदा है मंत्री जी के पास। फिर उन्होंने कहा गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं, अब महंगाई आ गई है तो क्या हम महंगाई को भी छोड़ दें। अंजना जी, मैं भी बड़े प्यार से, कोई सटायर के साथ नहीं पूछ रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए ये पूरा का पूरा जो टिकैत जी का आंदोलन आरंभ हुआ था, ये क्या गैस सिलेंडर पर आरंभ हुआ था? मैं तो चंद दिनों पहले आदरणीय टिकैत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आर्टिकल 370 जो हट गया उससे भी किसानों को बहुत तकलीफ हुई है, तो ये आर्टिकल 370 पर भी विषय नहीं था। ये विषय कुछ क्लॉजेस को लेकर थे, जिसमें नंबर एक था मंडी को समाप्त कर दिया जाएगा इन कानूनों के आने से। क्या मंडी समाप्त हुआ? मंडी समाप्त नहीं हुए। नरेंद्र तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1,00,000 करोड़ रुपए के माध्यम से किस प्रकार मंडियों का सशक्तिकरण होगा उस पैकेज को रखा, तो एक बात तो झूठ साबित हो गई कि मंडी खत्म कर दी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा MSP को खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं